स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स हमने एग्जांपल लिया था प्लांट जीनोमिक्स। तो प्लांट जीनोमिक्स क्या है कि प्लांट के मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके के फ्लेवोनॉइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उसका मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, उसका मॉर्फोलॉजी क्या है, प्लांट का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, और जो जीन सिक्वेंसिंग वहाँ प्रेजेंट है उसमें पर्टिकुलर जीन के फंक्शंस क्या हैं, इन सभी का स्टडी जो है वो हम किस ब्रांच में करते हैं, प्लांट जीनोमिक्स में करते हैं। इसी तरीके से जब हम फंक्शनल जीनोमिक्स और स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स इन दोनों का यूज़ एनिमल के वेलफेयर के लिए करें, जंतु के सुधार के लिए करें, या ह्यूमन वेलफेयर के लिए मानव के सुधार के लिए करें, तो इस तरीके की जीनोमिक्स को हम कहते हैं एप्लीकेशन जीनोमिक्स। ये जो जीनोमिक्स था ये जिस वायरस में सबसे पहले स्टडी किया गया था 1995 में, उस वायरस का नाम था हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये जो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी था इसमें हमने जीन सिक्वेंसिंग को सबसे पहले स्टडी किया था। इसके साथ में ये माना जाता है कि जीनोमिक्स का जो ओरिजन था वो एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चला था। उस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर हम इस जीनोमिक्स का ओरिजन मानते हैं, क्योंकि इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में सबसे पहले जो कम्प्लीट न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस है, वॉट इज़ न्यूक्लियोटाइड, जो हमारे न्यूक्लिक एसिड है, नाइट्रोजन बेस है, शुगर है, फॉस्फेट है, इनका हम स्टडी जो थे वो इस सीक्वेंसेस में इस प्रोजेक्ट के अंदर किया था। तो सबसे पहले ओरिजिन ऑफ जीनोमिक्स माना जाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को, जिन्होंने सबसे पहले कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को स्टडी किया था। और वायरस में सबसे पहले 1995 में हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी जो वायरस था उसमें इसके सीक्वेंस को स्टडी किया गया था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोटियोमिक्स। प्रोटियोमिक्स को सबसे पहले स्टडी जो किया था वो 1995 में डब्ल्यू सी वासिंगर ने किया था। ये जो वी सी वासिंगर, इनका नाम था वी सी वासिंगर, तो वी सी वासिंगर ने सबसे पहले इसको स्टडी किया था। और उन्होंने क्या बताया था कि जो भी जीनोम है वो जीनोम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वो एनकोडेड होते हैं, और वो किस एक्सप्रेस करके क्या बताते हैं, वो प्रोटीन सीक्वेंसेस बताते हैं, वो अपने आप प्रोटीन को कोड करते हैं। तो स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये जो प्रोटीन बनी है, इस प्रोटीन की को स्टडी करना या इस प्रोटीन की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है उस ब्रांच को हम प्रोटियोमिक्स कहते हैं। यही मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स जो है वो कुछ हद तक प्रोटियोमिक्स का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर हम कंप्लीट जीन सीक्वेंस को स्टडी करते हैं और प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। यहाँ भी वही काम कर रहे हैं, जीनोम प्लस एनकोडेड और एक्सप्रेस जो प्रोटीन हो रहा है उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टडी करना। तो कुल मिलाकर के जो प्रोटियोमिक्स है वो प्रोटियोमिक्स का मतलब है टू स्टडी द क्वांटिटी एक्टिविटी आइडेंटिटी एंड मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोटियोमिक्स। इसका मतलब है कि जो भी हमारा जीन प्रेजेंट है, जो भी हमारी जीनोम यहाँ पर हैं, उनकी कितनी मात्रा है, कितने मात्रा में वो प्रेजेंट है, ठीक है, यानी नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या रहेंगे, वो सारी चीज़ें, एक्टिविटी किस तरीके की एक्टिविटी वो कर रहा है, उसका मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का है, आइडेंटिटी का मतलब है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए किस प्रोटीन को कोड कर रहा है, उसका सीक्वेंसिंग क्या है, कितने बेस पेयर्स पे प्रोटीन जो है वो कोड हो रही है, कौन सी ऐसी नॉन कोडिंग प्रोटीन्स हैं, वो सारे चीज़। देन मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, वो आपस में किस तरीके की इंटरेक्टिविटी करता है, किस तरीके की वो इंटरकनेक्शन है, वो सारी चीज़ें जिस ब्रांच में स्टडी की जाती है उस ब्रांच को हम कहते हैं प्रोटियोमिक्स।